नमस्कार दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी रहते हो ना, और अगर आप बेरोजगार हैं, और अगर आपके अंदर दोस्तों काम करने की इच्छा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना व्यापार स्टार्ट करें, तो दोस्तों हम अब आपके लिए एक ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे जिनको देख के आप एक अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारी वीडियोस को सही तरीके से देखना है दोस्तों। किसी भी प्रकार से हर किसी से ऑनलाइन बाई नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। बच के रहना है, दिल्ली वालों से बच के रहना है। सदर बाजार में बहुत ही ज्यादा गंदा हाल है, तो वहां से बिना किसी मतलब बिना किसी को जाने हर किसी से बाई ना करें। अच्छे दुकानदार भी है बट बुरे दुकानदार भी वहां पे है, जो कि आपके साथ फ्रॉड करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आपने एक छोटा सा भी गलत कदम उठाया लालच में आकर, क्योंकि सस्ते के लालच में वो फंसाते हैं, फिर आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो मेरे पास काफी ज्यादा ऐसी ऐसी मतलब वीडियो बनाने के लिए कंटेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे वो फ्रॉड करते हैं, कॉस्मेटिक में कैसे फ्रॉड होता है, कॉस्मेटिक में आपको लेना है तो कहां से लेना है, बट वो बातें बाद में की जाएगी। तो आज की वीडियो पे हम बात करते हैं। दोस्तों, आपने काफी ज्यादा मार्केट में वीडियो देखी होगी, एक पेटी बेचे और महीने के 30,000 रुपए कमाए, एक पेटी बेचे महीने के 1,00,000 रुपए कमाए। तो दोस्तों, बिल्कुल हर किस्म की वीडियोज होती है, कुछ अच्छी वीडियोज भी होती है, कुछ ऐसी वीडियोज भी होती है जो फोकट की होती है, ये मान के चलो, जिनका कोई तथ्य आधार नहीं होता, जिनमें कोई मतलब बस ऐसे बता देता कि मतलब ऐसे बता देते हैं लोग कि उधर मिलेगा, और मतलब वीडियो पे मोबाइल नंबर चला देते हैं 999, और वीडियो के अंदर कोई मोबाइल नंबर का अता पता ही नहीं होता, जिसे लोग बात क्या ना क्लिक बेट करते हैं कि यार ठीक है अपना, पर क्या क्या करे, लोगों को रोजगार की तलाश होती है तो इसलिए वीडियोज को वो देखा जाता है उन वीडियो को, ठीक है। बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं, क्योंकि मोबाइल नंबर तो मेरे पास भी है काफी सारे शॉप वालों के, बट मैं डालना नहीं चाहता। आप मार्केट में जाओ, उनसे भी सस्ता मार्केट में बिकता है ये आइटम, ठीक है। आज की वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ऐसा एक कार्टून, ये मान के चलो एवरेज एक कार्टून, ऐसा एक जूने का कार्टून आता है दोस्तों। ये जूने का कार्टून नहीं है, ये है तो और किसी का कार्टून, बट मैंने आपको एक मतलब नॉलेज के पर्पज से बताया, देख सकते हो ये जूने होते हैं स्टील के, ठीक है। ये 10 रुपए की सेल वाला मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, 10 रुपए के मार्केट में बिकने वाला आइटम है। मतलब ये आपको पड़ रहा है, देख सकते हो 12 और 2 14, दो की स्कीम है, 14 पीस इसमें आ रहे हैं, मतलब 140 रुपए का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, 140 रुपए का प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, आपको अगर आपके मार्केट में कहीं पे ये आइटम बन रहा है ना, अगर आपके नियरेस्ट शहर में ये आइटम बन रहा है तो आप वहां से बाय कीजिए, अगर आपके शहर में नहीं बन रहा है ये आइटम तो आप दिल्ली जाइए, सदर बाजार जाइए, ठीक है। सदर बाजार जाने के बाद आपको क्या करना है, रोड वाइज जो रोड पे जो आपको दलाल मिलेंगे ना, काफी कष्ट मतलब काफी लोग कहेंगे कि भैया आपको ये 2 रुपए में नागुन पॉलिश, ये चाय छलनी 1 रुपए में, उनके चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है, उनके चक्कर में नहीं फंसना है। आपको तेलीवाड़ा चौक पे जाना है, मासिंग कॉम्प्लेक्स काफी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर चल जाना है। नहीं जाते हो तो सदर बाजार में न्यू मार्केट वगैरह में काफी सारी शॉप मिल जाएगी आपको जो ये आइटम सेल करते हैं, ठीक है। रेंडमली जाना है, विजिट करना है, प्राइस पूछनी है, फिर उसके बाद बाय करना है, ठीक है। ऐसे हर किसी से बाय नहीं करना है, और अपने सामने लेना है और अपने अलग से पैक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक एवरेज आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि आप इसको कैसे सेल कर सकते हो। दोस्तों, ये ले लो, आपको ये आराम से मार्केट में, मैंने एक पत्ता लिया था सदर से, तो ये मेरे को 50 रुपए के हिसाब से मिला है, ठीक है। मतलब मेरी वीडियो बनाई हुई है शॉपकीपर की, यहीं से मैंने लिया था, ये 50 रुपए का आपको मेरे को मिला है, ठीक है, 50 का मिला है। बट आप क्वांटिटी में लेते हो ना इसको, ये मान के चलो आप इसके कार्टून लेते हो तो आपको ये 45 to 50 के बीच में मिल जाएगा, 45 तक आराम से मिल जाएगा। ये 45 का भी मैं नहीं लगाता, मैं 48 का लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्टून में 2 रुपए का और मान लो, ठीक है, 2 रुपए तक का डिस्काउंट मिल गया, 48 का ये आपको मिल जाता है। अगर आपने लिया 100 पीस लिए, 100 पत्ते आपने इसके ले लिए, ठीक है, 100 पत्ते ले लिए तो आपको घर तक पहुंचने में 5 से लेकर 7 रुपए का खर्चा आ गया, 7 रुपए लगा लेते हैं, 48 + 7 55 रुपए का, 55 रुपए का आपके घर जाके पड़ गया।
₹55 का आपको घर जाने के बाद ये पड़ गया है। तो दोस्तों इसमें है आपके ₹140 का माल, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी बड़ी दुकानदार पे विजिट, बड़े दुकानदार के पास विजिट नहीं करना, होलसेलर के पास विजिट नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको जाना है छोटे छोटे गांव कस्बों में, वहां पे ये प्रोडक्ट आराम से ₹90 का पत्ते में सेल हो जाएगा, क्योंकि ₹90 के उसके ₹140 दुकानदार को बनने वाले हैं। दुकानदार को फिर भी काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि आराम से दोस्तों छोटे कस्बों में ये इतने ही रेट में सेल होता है, मतलब 12 पीस का प्रोडक्ट ही ₹84 में पत्ता सेल हो जाता है। तो आप 14 पीस ₹90 में दोगे तो दुकानदार आराम से आपका प्रोडक्ट को ले लेगा। दोस्तों एवरेज लगा लीजिए, ₹55 का आपको पड़ रहा है, ₹90 का आप सेल कर रहे हो, दोस्तों कितना मार्जिन हो चुका है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ₹35 आपका एक पत्ते के पीछे मार्जिन निकल रहा है। दोस्तों मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, 100-200 पत्ते नहीं बोलूंगा, दिन के 10 पत्ते भी बेच लिए ना ₹350 कमा लिए, ठीक है। सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करने वाले व्यक्ति को ₹350 मिलते हैं, बट आप 10 पत्ते मार्केट में निकलोगे ना, 10 पत्ते आराम से निकाल दोगे, ठीक है। 20 दुकानों पे जाओगे ना तो 10 पत्ते आराम से निकल जाएंगे, बट मेहनत तो उसमें भी लगेगी। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में रिजेक्शन का सामना करना पड़े, कि आप जिस दुकान पे जाओ वो मना कर दे, मना करने के बाद आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। प्रयास करता रहना है कि अगर आपको एक दुकानदार ने मना किया, नहीं ठीक है, दूसरे दुकानदार के पास जाओ, उसने मना किया, नहीं ठीक है, तीसरे दुकानदार के पास जाओ। ऐसे नहीं कि यार मना कर दिया, नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को तो नहीं, मैं तो मतलब मना करने लायक ही नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ अच्छा करना है, वो डिपेंड, वो उस बात के चक्कर में मत रह जाना दोस्तों। हाँ आपको अच्छा करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, बट शुरुआत छोटे से ही होती है, छोटे से ही आदमी धीरे धीरे बड़ा बनता है, ना कि बड़ा बनता स्टार्टिंग में, कोई बड़ा नहीं बनता, ठीक है। शुरुआत एक सीढ़ी से, एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे ना, अगर आप ऐसे थोड़ा ना जंप करके 5 सीढ़ी चढ़ जाओगे, उसके अंदर गिरने के भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बट एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना उसके अंदर गिरोगे नहीं, आप आसानी से चढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं मैंने बता दिया जो आपको एक प्रोडक्ट लेना उसी के ऊपर काम शुरू कर देना, नहीं, आपको 5 से लेकर 10 प्रोडक्ट ऐसे लेने हैं जिन पे अच्छा मार्जिन आपको मिल रहा है। मार्केट में निकलो, मार्केट में देखो क्या प्रोडक्ट किस दाम पे बिक रहा है, फिर उसके बाद आप काम की शुरुआत करो, ठीक है। पैसे आपके दोस्तों, मेहनत आपको करनी है दोस्तों, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, हमारे मतलब ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके किसी को फॉलो करो, नहीं, आपको दोस्तों पहले मार्केट जाके चेक करना है मार्केट में कितने में, अगर आपके होलसेल मार्केट में जाना है, ठीक है, आपको पूछना है कि भैया 5 पत्ते जूने के 14 पीस वाले क्या रेट दोगे, ठीक है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि दोस्तों कहां से आपको बेटर रेट मिलने वाली है। अगर आपको अपने मार्केट से अच्छा मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन उधर भी काफी अच्छा रहेगा, अगर कंपटीशन वहां पे, अगर ये आइटम आपको काफी महंगा मिल रहा है तो आपके मार्केट में फिर कंपटीशन नहीं है, मतलब आप आराम से मार्जिन अच्छा कमा सकते हो। तो दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो हम और लेके आते रहेंगे, आपका सुझाव की आवश्यकता है दोस्तों कि कैसी वीडियो और लेके आते रहे, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना ही मैं ट्राई करूंगा नए से नए बिजनेस आइडियाज लेके आते रहने के लिए। आपको जितना भी मेरी साइड से हेल्प होगा उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि किसी को भी बिना प्रूफ, मतलब बिना किसी की भी जांच पड़ताल किए किसी की अकाउंट में पैसे ना डाले, सदर बाजार में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो उनका काम ही है कि लोगों के साथ फ्रॉड करना, उनके पैसे खाना और फिर गायब हो जाना, ठीक है। और बहुत से लोग ये करते हैं कि पैसे डलवा लेते हैं, बट वो माल देते हैं, बट क्या है 10,000 में से आपको 2,500-2,500 का माल देते हैं, ठीक है, बाकी का खराब माल देते हैं, रिजेक्ट माल देते हैं, तो आपका पैसा भी ऐसा भी व्यर्थ होने वाला। दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि किसी को भी ऐसे अकाउंट में पैसे ना डाले, खासतौर पर दिल्ली सदर बाजार के शॉपकीपर्स को, क्योंकि वहां पे फ्रॉड भी है तो जेन्युइन भी है, तो फ्रॉड लोगों के चक्कर में जेन्युइन लोग भी बदनाम हो चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए उनकी वीडियो देखे कि कितना ज्यादा अपडेट आ रहा है, अगर कोई ज्यादा ही सस्ता दे रहा है ना रियलिटी में, अगर आपको वो मार्केट में, आपके मार्केट में ₹6 का आइटम मिल रहा है, वो आइटम दिल्ली में 50 पैसे में मिल रहा है, तो वो रियलिटी में बिल्कुल फ्रॉड है, वो बिल्कुल 101% फ्रॉड है। ऐसे हो सकता है जो आइटम आपके मार्केट में ₹6 का है वो ₹4 का, ₹3 का, ₹3.5 का,
4.5 रुपए का 5 रुपए का ऐसे मिल सकता है, इतना डिफरेंट आ सकता है, ना कि इतना डिफरेंट आएगा कि वो 10% में मिल जाए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने काम के लिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा सर्च करो, रिसर्च करो, मार्केट में जाओ, घूमो, फिर मान लो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे किसी के भी साथ फ्रॉड ना हो और कोई भी भाई नया काम स्टार्ट करना चाहे ना वो आराम से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।